नमस्कार दोस्तों, आजकल SBI बैंक में जितने भी सेविंग अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को ये वाला ATM कार्ड मिल रहा है, SBI का ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। मुझे यहाँ पर रुपे कार्ड मिला है, हो सकता है कि आपको मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड मिल सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि आपको कौन सा कार्ड मिला है। और ये जो कार्ड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, मतलब अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हो और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पर ATM मशीन से कैश भी निकाल सकते हो, और अगर आपने किसी होटल में रूम रखा है तो आप POS मशीन के थ्रू उसका पेमेंट कर सकते हो। POS मशीन में पेमेंट करने के लिए सिस्टम ये है कि आप एक बार मैक्सिमम 5,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपको कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, और पूरे दिन में आप उसी प्रकार से 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर मान के चलते हो कि 5,000 का एक ट्रांजैक्शन, तो पूरे दिन में अगर आप 5 ट्रांजैक्शन करते हो तो टोटल आप यहाँ पर बिना कोई पिन डाले 25,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इस ATM कार्ड के बारे में मैं किसी वीडियो में डिटेल से बता दिया हूँ तो मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ATM कार्ड के साथ में जो आपको एक लेटर मिलता है और एक जो यूज़र गाइड मिलती है, इसको रीड करने के बाद इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको रीड करने के बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया तो एक बार ज़रूर रीड कर लेना। तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है कि ये जो कार्ड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, और अगर आप इंडिया से बाहर कहीं पर घूमने के लिए जाते हो तो घूमते घूमते हो सकता है कि आपका पॉकेट चोरी हो जाए या फिर ये जो कार्ड है कहीं पर गुम हो जाए, और इसके बाद से आप हड़बड़ी में क्या करते हो कि अपने कार्ड को तुरंत से आप ब्लॉक नहीं करते हो और आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन ढूंढते हो और वहाँ पर जाके आप कंप्लेंट वगैरह करते हो कि मेरे साथ में ये घटना हो चुकी है, और आप तुरंत से इसको ब्लॉक कराने के लिए भूल जाते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये वाला कार्ड किसी को मिल जाता है तो मिसयूज कर सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कार्ड तो गुम हो गया है लेकिन इसका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मेरे पास है और इसका जो पिन है मुझे पता है, तो कोई कैसे इसका मिसयूज कर सकता है। तो दोस्तों, यही जो पॉइंट है ये सब यूजर गाइड में लिखा हुआ है और इसको रीड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ कि बहुत सारी ऐसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट होती हैं, ई कॉमर्स साइट वेबसाइट, कि आप ATM कार्ड की डिटेल्स डालोगे और आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे इंडिया में मोबाइल पे OTP वगैरह आता है ना, मोबाइल OTP डालोगे तब जाके आपका जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, लेकिन इंटरनेशनल वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है। ओनली कार्ड की डिटेल्स डालोगे और आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जिसको भी ये वाला कार्ड मिलता है तो हो सकता है कि वो ई कॉमर्स साइट में बहुत सारा जो प्रोडक्ट सामान है वो परचेस कर सकता है। अब वो कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर बिना OTP के ट्रांजेक्शन होता है, तो आप उन लोगों का वीडियो देख सकते हो जो लोग इंटरनेशनल वेबसाइट के थ्रू सामान परचेस करते हैं। मैंने कभी भी नहीं किया है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है इस कार्ड में तो उसको किस प्रकार से बंद कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले योनो SBI को ओपन करेंगे, इसके बाद से लॉगिन हो जाएंगे MPIN डाल के, और लॉगिन होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको बहुत सारी सर्विस देखने को मिल जाएंगी, तो आपको ATM डेबिट कार्ड यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल के और सबमिट पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप प्रोफाइल पासवर्ड डालते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो ATM कार्ड की कुछ सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप अपने कार्ड को यहीं से ब्लॉक करा सकते हो, मैनेज करा सकते हो, न्यू कार्ड की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या फिर न्यू कार्ड है तो आप यहीं से उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैनेज कार्ड यहाँ पर क्लिक कर देना, इसके बाद से अपना अकाउंट नंबर चूज़ कर लेना, इसके बाद से जो भी ATM कार्ड एक्टिव होगा यहाँ से चूज़ कर लेना। इसके बाद से आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पहला है मैनेज यूजेस और दूसरा है मैनेज लिमिट। तो आपको यहाँ पर मैनेज यूजेस पर क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो कार्ड है किस किस ट्रांजेक्शन के लिए ऑन है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अपने ATM कार्ड को किस किस सर्विस के लिए आप यहाँ से ऑन रखना चाहते हो या फिर ऑफ रखना चाहते हो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपके में जो इंटरनेशनल यूजेस है वो ऑन हो, या फिर हो सकता है कि जो NFC वाला मोड हो वो भी ऑन हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इन दोनों को बंद कर देना है, ये डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो डोमेस्टिक यूज की इसको ऑन रखा हूँ, इसके बाद से जो ATM कार्ड का ट्रांजेक्शन उसको भी मैं यहाँ से ऑन रखा हूँ क्योंकि मैं ATM मशीन में जाके पैसे निकालता हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ से POS मशीन को इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता, और जो Amazon से कभी कभी परचेज़ करता हूँ इसलिए मैं इसको ई कॉमर्स साइट इसको ऑन रखा हूँ।
और आप भी इस प्रकार से अपने मनपसंद के अनुसार रख सकते हो। इसके बाद से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद से आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डाल के और सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने एटीएम कार्ड को आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही मैनेज कर सकते हो कि उसका क्या यूजेस रखना है और किसको बंद करना है। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना।